गाइस स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। फिलहाल आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है गाइस। फिलहाल अभी मैं घर पे हूँ और अभी रेडी होकर जा रहा हूँ गाइस मंदिर पे, और आज वहाँ पर है भागवत कथा। होप करते हैं कि आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। फिलहाल गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ, चलता हूँ। मेरा एक साथ वाला आने वाला है घर गाँव से, साथ के लिए हो जाएगा। और चलते हैं गाइस, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं फिर आपसे भी। पहुँच चुके हैं गाइस मंदिर में और भागवत स्टार्ट हो चुका है, मैं भी जा रहा हूँ। और ये रहा मेन गेट। बढ़िया रहा ऐसी व्यवस्था है। चलिए भगवान के शिवलिंगों का पाठ करते हैं। शिवलिंग जो है 12 स्थानों में है भारतवर्ष के, सौराष्ट्रे शोभनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जिनीया महाकालम ओमकालम ममलेश्वरम। इनकी पूजन, इनका दर्शन और इनको भोग लगाने से मनुष्य की सदगति प्राप्त होती है। सज्जनों, हमारे वहां भोग का बड़ा कम विधान है, ध्यान से सुनना। हम शिव मंदिर है तो यहाँ कभी पर्वों में आप आते होंगे, लेकिन यह हमारे पहाड़ की एक मान्यता है। भगवान पहाड़ में क्षमा भी कर देते हैं, प्लेन्स में नहीं होगा क्षमा। कोई भी शिवलिंग होगा वहां भोग जरूर लगेगा। कोई भी छोटे छोटे मंदिर भी होंगे वहां कोई ना कोई भोग लगाने वाला होगा। पहाड़ में हमारे भगवान इतने सरल हैं, बस हरेले के दिन दरवाजा खोलो भगवान खुश वहीं बैठे यार। दिवाली के दिन दरवाजा दिया जला दो खुश, रोज अंधेरे में रह रहे जाओगे तो वहां भगवान को भोग लगाना पड़ता है। भोग भगवान को बहुत जरूरी है, लेकिन मैं पहाड़ के लिए नहीं कहता हूँ। पहाड़ में भगवान की बड़ी कृपा है। पहाड़ में क्यों कृपा है इसको भी जान लो। पहाड़ में भगवान स्वयं तप करने के लिए आए। तपोमूर्ति है यहाँ सब, कोई हरेले के दिन भी नहीं चढ़ाते हो कोई बात नहीं। भगवान दिख रहे हैं। अब प्रश्न आया कि मैं किसके पैर पहले पड़ूं। गुरु गोविंद चढ़ गया वो बिल ऊपर चढ़ा हुआ, चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया, खूब फ्री के मिल रहे थे तो भर ली उसने बोली। अब उसको चढ़ना आता था लेकिन उतरना नहीं आता था। चढ़ तो गया उतर नहीं पाया। कभी कभी देखा होगा बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती,
पेड़ में जाते हैं लोग और गिर जाते हैं, मर जाते हैं। जड़ तो वे शौका शौकी देखा देखी, महाराज वो पेड़ में चढ़ गया, वो उतरना ना है। अब उतरना ना है तो हाथ पैर छूटने लगे, नीचे देखा कहा तो खोपड़ी फूट जाएगी भैया, अब मर जाऊंगा। अब बाकी डर लग गई तो पांव भी कांपने लगे। पहले पहले तो अपने बच्चों को आवाज लगाई, नौकरों को आवाज लगाई, कोई बचा लो बचाओ को, जंगल से कहाँ आती भैया आवाज घर। फिर लास्ट में पत्नी को पुकारा, जो अर्धांगिनी थी घर वाली, कहा देवी तू बहुत अच्छी थी, मेरे को बचा ले आज। कहती थी मैं सौभाग्यशाली हूँ, सत्यवान की तरह सावित्री हूँ, तुम्हारी छाया की तरह हूँ, मुझको बचा लो। अब देवी भी कहाँ सुने भैया, कहाँ जंगल कहाँ उसका घर। जब दुनिया से व्यक्ति हार जाता है, ध्यान से सुनो, जब दुनिया से व्यक्ति हार जाता है इसको पुकारता है भगवान को। तब जो कलयुग में सबसे जल्दी फल देने वाले हैं कौन है, सत्यनारायण भगवान। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण जो तुम्हें होता है तो हमें है पालक, जो तुम्हें होता पूरे Hare Krishna, Krishna Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे चलो चलो बुलाओ।